राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय अग्निसेना के अध्यक्ष स्वामी ज्ञान सागर ने बयान दिया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार यूसीसी लाने की तैयारी में है और इसी को लेकर स्वामी ज्ञान सागर अपने समर्थकों के साथ लखनऊ पहुंचे। अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में बताया, साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की जानकारी देंगे। 2024 चुनाव नजदीक है, ऐसे में जितने भी कद्दावर नेता बीजेपी के हैं वो ज़मीनी स्तर पर आ गए हैं और लोगों को जोड़ने की कवायद में लग गए हैं। अहमदाबाद गुजरात से कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे, ये वहाँ पे अच्छा इनका रुतबा है और साथ ही इनसे कई लोग भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्वामी ज्ञान सागर साहब हैं। सागर जी, आप यहाँ आए हुए हैं, अभी किस मामले को लेके यहाँ आप लखनऊ आए हैं? पूरा लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के भ्रमण पे आए हैं, एमपी का भ्रमण कर चुके हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरीके से अपने राष्ट्र में यूसीसी लागू हो जाए, क्योंकि एक राष्ट्र कानून, एक राष्ट्र एक कानून के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी समय आ गया है कि ये जो राष्ट्र सर्वोपरि होने जा रहा है। और मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो आज तक इतिहास में पहली बार ऐसा लगता है कि हम आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो कार्य किया जाति पर, धर्म पर कार्य किया गया, पर आज राष्ट्र पर काम हो रहा है। हमारे सब जातियों को एक करने का बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, शूद्र हो, सवर्ण हो, क्षत्रिय हो, बनिया हो, ये सब हिंदू राष्ट्र के अंग हैं, ये हमारे धर्म के चारों अंग हैं। आज बहुत तगड़ी साजिश हो रही है इन चारों अंगों को तोड़ने के लिए, परंतु हमारा प्रयास है कि हम हर वर्ग को ये कर, अपने पूरे सनातन धर्म को ये कर, जिसमें शूद्र भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सबको साथ में लेकर एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। और मोदी जी का सफल बनाने के लिए हम स्वयं भक्तों ने ये काम किया है कि हम घर घर जाकर यूसीसी के बारे में बताएंगे, एक राष्ट्र एक कानून। हमारे साथ गुजरात से आए हुए एक दावत नेता हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि 2024 का चुनाव जीतेंगे और साथ ही जो यूसीसी का घमासान मचा हुआ है उसको लेकर भी इन्होंने बताया कि जो है हम ये घर घर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि यूसीसी का मतलब क्या है और किस लिए सरकार लागू कर रही है। अभी देखने वाली बात है कि लोग कितना समझ पाते हैं और क्या निकलकर सामने आता है। कैमरामैन आदित्य के साथ शादाब सिद्दीकी, आदित्य भी लखनऊ।